मैं हूँ राकेश राणा, आप देख रहे हैं US 24 उनचासमाना। आज हम करनाल के गोल्डन मोमेंट में हैं। यहाँ पर आज भगत सिंह राजगुरु सहदेव के शहीदी दिवस के उपलक्ष में आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। आप हम सीधे मुलाकात करवाते हैं आपकी मैडम से। मैडम जी नमस्कार, मेरा नाम भारती जांगरा है और जैसा कि आप देख रहे हैं आज यहाँ निफा की ओर से ये एक पेंटिंग प्रदर्शनी और साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप देख पा रहे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर सभी आकर अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप चित्रकार अभिमन्यु सोनी जी ने बनाया है जी, इसे हिसार के चित्रकार अभिमन्यु सोनी जी ने बनाया है, जिसमें उन्होंने भगत सिंह को एक चितेरे के रूप में, एक चित्रकार के रूप में बनाया है। उन्होंने यहाँ पर भारत माता की मूर्ति गढ़ दी है, जिसे वे अपने रंगों के द्वारा, जो कि लहू का रंग है, उसके द्वारा जो है रंग रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भगत सिंह जी का व्यक्ति चित्र आपको नज़र आ रहा है, उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है। सौरभ ये कलाकार हैं जिन्होंने बनाया है जी। यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से पूरे देश का मानचित्र है, तिरंगे के तीनों रंग आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों महान देशभक्त शहीद आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही ऊपर से तिरंगा बहता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कबूतर जो कि शांति के प्रतीक के रूप में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आज़ादी से जो है उड़ रहा है। यहाँ पर इस चित्र में बहुत सारे हमारे देशभक्त, ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, अपनी शहादत दी। यहाँ पर इस पेंटिंग के चित्रकार हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि कटारिया मैम, तो वो अपनी पेंटिंग के बारे में स्वयं बताएंगे। जितना रक्तपात युद्धों में होता है, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, पीस चाहिए। आरजी द्वारा बनाई गई है, वो करनाल के ही कलाकार हैं और उन्होंने देशभक्त भगत सिंह जी को यहाँ पर बनाया है। फांसी का फंदा उनकी चारों ओर जो है झूलता हुआ दिखाया है और किस तरह से वे देशभक्त थे और देश के लिए समर्पित भाव थे उनके, वो नज़र आ रहे हैं। ये पेंटिंग मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें भारत माता को मैंने दर्शाया है और उन्होंने जो है तिरंगे को एक चुनर के रूप में धारण किया हुआ है और यहाँ पर सिंह के रूप में मैंने उन तमाम देशभक्तों और शहीदों को दिखाया है, जिन्होंने अपना खून देकर, अपने रक्त से सींचा है भारत माँ के दामन को। ये भक्ति, ये जो है भगत सिंह जी का एक व्यक्ति चित्र आप देख पा रहे हैं। ये दीपक जी का बनाया हुआ चित्र है, जो कि बोल और सुन नहीं सकते हैं और उन्होंने तीनों देशभक्तों को और किस तरह से उन्होंने अपना रक्त समर्पित करके देश को सींचा है, वो दर्शाया है। ये पेंटिंग बनाई है एक कलाकार कमल जी ने, जो कि हिसार के कलाकार हैं और उन्होंने ये पेंटिंग जो है धागों से बनाई है। पीछे ये रंगों से पीछे जो है तिरंगा दिखाया गया है और यहाँ पर कीले लगाकर बारीक धागों के द्वारा इसको जो है पेंटिंग को बनाया गया है और दूर से देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे ये रंगों के द्वारा ही बनाई गई हो। ये रश्मि जी की पेंटिंग है और वे जो है कुरुक्षेत्र से आई हैं, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है अपने शहीदों को। आलंकारिक रूप में भारत माता को दर्शाया गया है और किस तरह से देश का सिपाही देश के दुश्मनों को बांध कर खींच कर ले जाता हुआ यहाँ दिखाया गया है। ये रश्मि कटारिया मैम की ही पेंटिंग है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है मुश्किल से मुश्किल शिखरों पर, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में हमारे देश के जवान जो है ऐसी ऐसी जगहों पर ड्यूटी देते हैं जहाँ पर जाना भी दूभर होता है। ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से तीनों देशभक्त लिपटे हुए हैं तिरंगे से, उसे अपने दिल में बसा लिया है और तमाम जो आम लोग हैं यहाँ पर, आम जनता को आप देख पा रहे हैं, वे उनको पुकारती हैं, उन्हें याद करती है हर शहादत दिवस पर।
यहाँ पर दिखाया गया है भगत सिंह का एक व्यक्ति चित्र और दिए में तेल की जगह अपना रक्त बहाकर जो है उससे ये दिया जल रहा है और एक कलाकार के रूप में उन्होंने गढ़ दी है तस्वीर देश की। वही जो है तमाम जो औजार हैं हमारे, कलम है, ब्रश है, उसके द्वारा ये चित्रण किया गया है। यहाँ पर ये वक्त का पैमाना दिखाया गया है, किस तरह से अपना खून बहाकर शहीदों ने वक्त को अपने कब्जे में कर लिया, वे अमर हो गए और उन्होंने इतिहास रच दिया। यहाँ पर एक छाया के रूप में, प्रकाश से छाया के रूप में एक छवि दिखाई दे रही है भगत सिंह जी की, और ये आकाश में झूमता हुआ फंदा, एक पक्षी जो कि शांति का प्रतीक है, कबूतर यहाँ आपको नज़र आएगा। अगली पेंटिंग जो है उसमें सिर्फ नयनक्ष को पूरी तरह से ना दिखा के प्रतीकात्मक रूप में शहीदों को दिखाया गया है, और यहाँ पर देश के सिपाही को दिखाया गया, किस तरह से जेल में बंद रहे भगत सिंह वह दिखाया गया है। शौर्य सक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म, जी हाँ, यही मूल मंत्र था भगत सिंह जी के जीवन का। यहाँ पर भगत सिंह जी का एक व्यक्ति चित्र बनाया गया है जो कि सिर्फ पेंसिल शेड्स के द्वारा बनाया गया है। हृदय में रक्त दिखाया गया है, देशभक्ति के भाव के रूप में निकलती हुई ये तमाम जो रक्त की धमनियाँ हैं वह नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भगत सिंह जी एक झंडे को, देश के तिरंगे झंडे को बो रहे हैं, वे दिखा रहे हैं कि ये एक क्रांति की जो है ज्वाला बन जानी चाहिए। ये उनके बचपन का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से वो क्रांति बो रहे हैं ज़मीन में। आई गई पेंटिंग है और इसमें मैंने दिखाया है ये वक्त का पहिया है जो कि घूम रहा है, और यहाँ पर मैंने नारी को दिखाया है कि किस तरह से नारी के जीवन में समय के साथ परिवर्तन आया है, उसे खुद को बदला है, और किस तरह से उसके मन में उठा अंकुर जो है वो एक पौधे का रूप ले चुका है। यहाँ पर सीढ़ी दिखाई है कि सीढ़ी दर सीढ़ी बुलंदियों को वह छूती जा रही है, और नारी का योगदान रहा है देश में और समाज में वह दिखाया गया है, क्योंकि आज हम रक्तदान शिविर भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर रक्तदान के महत्व को इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं इस पेंटिंग के, तो मैं उन्हीं को बुलाती हूँ। सर, मेरा नाम पियसुनी सैगल है, एंड ये पेंटिंग मैं देश के सारे वीर नौजवानों को डेडिकेट करती हूँ, स्पेशली टू सोल्जर्स जो अपनी मतलब पूरी जी जान लगा के देश की सुरक्षा करते हैं ताकि हम यहाँ पे आराम से अपना लाइफ बिता सकें। तो ये जो तीन हाथ हैं ये हमारे उन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे देश के फ्लैग को बचा रहे हैं या देश को बचा रहे हैं। थैंक यू। आ रहे हैं हमारे तीनों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नज़र आ रहे हैं, और इनका प्रतीक के रूप में हमने सिंह को दिखाया है कि ये सभी जो हैं ये सभी देश के लाल, देश के शेर हैं। अगली पेंटिंग में आप देख पा रहे हैं कि आँख के अंदर तिरंगा जो है वो फांसी के फंदों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीन जो फांसी के फंदे हैं ये तीनों शहीदों को दिखा रहे हैं, और उनकी आंखों में था सपना अपने देश का तिरंगा इसी तरह से फहराए। अगली पेंटिंग में देश का मानचित्र है, अशोक चक्र है, वंदे मातरम लिखा हुआ है, और यहाँ पर नज़र आ रहे हैं प्रतीकात्मक रूप में तीनों शहीद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फांसी का फंदा दिखाया गया है, तीनों शहीदों को दिखाया गया है, और उनके मन में बह रहा देश के लिए प्रेम का भाव मुकेश जी की बनाई हुई पेंटिंग है, और किस तरह से रक्त से धरा लाल हो गई थी जिस वक्त शहीदों ने शहादत दी थी। यहाँ पर दिखाया गया है देश के प्रहरी को और शहादत के प्रतीक जो ये यहाँ पर बंदूक और उसके ऊपर शहीद की टोपी लगाई जाती है, और देश का तिरंगा दिखाया गया है। अगली पेंटिंग संबद्ध है ब्लड डोनेशन से, कि किस तरह से आप जीवन को बचा सकते हैं अपने चंद खून की बूंदें देकर।
अगली पेंटिंग के आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं हिमांशी जी, वो अपनी पेंटिंग के बारे में बताएं। जैसे कि आज हम सब एक शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं निफा की तरफ से, मैं हिमांशी चौहान आर्टिस्ट निफा फाइन आर्ट की तरफ से हूँ। मैं अपनी पेंटिंग में ये उपलक्ष्य दिखाना चाह रही हूँ कि भाई जो भगत सिंह जी थे उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दी थी, जैसे कि आज आज़ादी दिवस का 91 ईयर्स हो चुके हैं, तो मेरी जो पेंटिंग है उसमें ये चीज़ दर्शा रही है कि जो लाल रंग है हमारा, लाल मिट्टी का खून, खून का रंग मिट्टी का लाल, तो वो हमारा क्या है कि भाई जो जनरल डायर को देखकर, अंग्रेज़ों को देखकर, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको अंग्रेज़ों को देखकर लाल खून हो जाता है, क्योंकि वो लोग हमारे देश पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, हमारे देश का हमला करते थे। तो इसी वजह से हम, मैंने अपनी पेंटिंग में यही दर्शाया है कि जो भगत सिंह जी थे उनका जनरल डायर को देखकर लाल खून हो चुका था, तो उन्होंने असली देश को आज़ादी जो दी थी वो लाल रंग से दी थी। धन्यवाद। अगली पेंटिंग में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ज्वेल्स, हीरे नज़र आ रहे हैं, फांसी के फंदों पर झूलते हुए हीरे, और ये तीनों हीरे हैं देश के वे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अगली पेंटिंग में भगत सिंह का बचपन दिखाया गया है, उनके दोस्त दिखाए गए हैं, जैसे कि उन्होंने सपना पहले ही देख लिया था कि देश के लिए वे अपनी जान भी दे देंगे, तो वह भी कम है। और यहाँ पर कुछ लोग दिखाए गए हैं जो कि नशे के लत को पकड़े हुए हैं, तो वे दिखाना चाहते हैं कि हमारा सपना ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, यहाँ पर व्यक्ति चित्र आपको नज़र आ रहा है भगत सिंह का, और उनका केसरिया दुपट्टा लहरा रहा है, और तीनों जो हैं देश के तिरंगे के रंग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है सिंह। ये पेंटिंग रश्मि मैम की पेंटिंग है, तो वो खुद ही बताएं तो अच्छा है। इसके माध्यम से मैं दो बातें बताना चाहूँगी, एक तो देशभक्ति की जो ज्वाला है हम सबके मन में जलती रहे, दूसरा ये शहीदों को नमन के रूप में भी एक मोमबत्ती भेंट करके उनकी स्मृति में हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओवर टू भारत। अगली पेंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केसरिया रंग, हर दिल में देशभक्ति का भाव जगाने वाला केसरी रंग, हवाओं में उड़ते हुए आज़ाद पंछी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं आज का दिन जो कि संबद्ध है रक्तदान शिविर से भी, तो यहाँ पर रक्तदान को दिखाया गया है कि रक्तदान महादान है, और ये पंछी भी अपने जो चोंच में ब्लड की थैलियाँ लेकर जा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं ज़रूरतमंदों तक। जी, तो आज आपने बहुत सारे कलाकारों की ये सभी पेंटिंग्स देखी, हमारी चित्रकला प्रदर्शनी देखी, और आप सभी को ये जो है जानकर अच्छा लगा होगा कि किस तरह से निफा द्वारा यह पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैंक यू, बने रहिए US 24 के साथ। ये आप गोल्डन मोमेंट में प्रदर्शनी देखी।